Hello dear student, most welcome in your study with Dr. Solanki sir YouTube channel में. मैंने आपको 13 अप्रैल को वीडियो लेक्चर कारा का दिया था बीएससी फर्स्ट ईयर एलगी में. अब इसके बाद 14 और 15 को मैंने वीडियो लेक्चर सेंड नहीं किया था क्योंकि मेरी लक्षण में ड्यूटी थी और अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्लास बैसिलेरियोफाइसी. कौन सा है क्लास? बैसिलेरियोफाइसी. और इस बैसिलेरियोफाइसी में आपका एक जीनस आता है सिलेबस में है वह नेविकुला एल्गा. क्या है एल्गी का नाम? नेविकुला. तो मैंने आपको क्या बताया बैसिलेरियोफाइसी क्लास में सिंगल जीनस आपके सिलेबस में है वह नेविकुला. और इससे आपसे दो क्वेश्चन पूछे आते हैं बीएससी में. एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेंशन द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ नेविकुला. मेंशन द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ नेविकुला एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द करेक्टर्स ऑफ बैसिलेरियोफाइसी वारन नेविकुला. तो मैंने इस नेविकुला का सिस्टमेटिक पोजीशन नोट कर दिया है. यस मीन सिस्टमेटिक, पी मीन्स पोजीशन. इसमें देख रहे हैं आप लोग डिवीजन क्या है? एल्गी. डिवीजन क्या है? एल्गी है. क्लास बैसिलेरियोफाइसी. ऑर्डर पिननेल्स है. क्या है? पिननेल्स. और फैमिली है नेविकुलाइडी. नेविकुलाइडी जीनस है नेविकुला. नेविकुला. अब आपको जानकारी के लिए बता दें बैसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसको कॉमनलियम डायटम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायटम्स. और ये जनरली मैरीन एल्गा होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं. अभी तक आप लोगों ने जितनी भी एल्गी पढ़ी सभी मोर ऑर लेस फ्रेश वाटर एल्गा थे. ये एल्गा क्या है? मैरीन एल्गा है. मैरीन वाटर में मोस्टली पाया जाता है. और मैंने आपको बताया ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. और इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? डायटम्स बोलते हैं. और इसके मेंबर जो जनरली होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोरोफिटिक होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. मैंने आपसे बताया था, किसी स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन भी किया था कि एल्गी जो होती है बेटा, लोअर एल्गी जो होती है वह क्या होती है? वह हैप्लॉयड होती है. उसके लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम तक हैप्लॉयड फेज होती है, इसलिए गैमेटोफिटिक एल्गी होती है उसकी प्लांट बॉडी. बट सम एल्गा आर द डिप्लॉयड. यहां पर इसके मेंबर्स भी जनरली क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं. मीन्स इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है. अर्थात इसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज सबसे अधिक समय तक होती है, इसलिए इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? स्पोरोफाइट. क्या होगा? स्पोरोफाइट. तो इसका हम करेक्टर्स. और हाँ, ये जो एक प्रकार के मैंने आपको बताया इसको कॉमनली डायटम्स बोलते हैं. और ये मैरीन एल्गा होते हैं. और ये समुद्र में नीचे की तरफ जो है
क्या करते हैं, प्रकार का अर्थ का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको हम डाई एटमेसियस अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई एटमेसियस अर्थ बोलते हैं। तो क्योंकि डायटम के द्वारा जो अर्थ वाइज स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया मेरीन में, समुद्र में, उसको हम क्या बोलते हैं? डायटमेसियस अर्थ बोलते हैं। तो आप एक एक पॉइंट इसका नोट करते चलेंगे, आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। अब आप लोग करेक्टर्स ऑफ बेसिलेरियोफाइसी, करेक्टर्स ऑफ बेसिलेरियोफाइसी के पॉइंट नोट करेंगे, आपको डिटेक्ट करते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर जनरली कॉल्ड डाई एटम्स। फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक MICROSPIC, माइक्रोस्कोपिक, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेंगे। एंड वेरिएबल इन सेप, इसका सेप भी जो है डिफरेंट होते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, डायटम्स आर मोस्टली यूनिसेलुलर बट सम कॉलोनियल स्पीशीज फॉर्म फिलामेंट। नेक्स्ट पॉइंट, The cell is deployed and shows radial or bilateral symmetrical कौन होता है? नेविकुला। कौन होता है? नेविकुला। ब्रैकेट प्लस फुल स्टॉप। आपको मैंने बताया डायटम जो होता है वो यूनिसेलर होता है और इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और आप लोग जूलॉजी में पढ़े होंगे। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स ये होता है कि जब हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी को जो है एक से अधिक प्लेस से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। मीन्स आप जो मुझे में क्लियर कट पढ़े होंगे, द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट रेडियस, देयर इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश। दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री, व्हेन द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ओनली फ्रॉम वन प्लेस इज नोन एज बायलैटरली सिमेट्रिकल। जैसे हम आप हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, एक ही ऐसा प्लेस है
जहां से हम ऐसे टू इक्वल पार्ट्स में अपने बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। आप जानते हैं अर्थवर्म है, कॉकरोच है, ये सब क्या होते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। उसी प्रकार से नेविकुला क्या होता है? बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। केवल एक प्लेस इसको हम दो बराबर भागों में बांट सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द गोल्डन ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए कामा क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफिल्स है सच ए फ्यूकोजेंथिन कामा डाइएटोजेंथिन एंड डाई एडिनोजेंथिन फ्यूकोजेंथिन डाइएटोजेंथिन एंड डाइएडिनोजेंथिन फलिस्ट। तो आप लोग एल्गल पिगमेंट पढ़ चुके हैं, आपको मैंने बताया था जेंथोफिल्स में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फ्यूकोजेंथिन डाइएटोजेंथिन डाइएडिनोजेंथिन। यह क्या प्रोवाइड करते हैं? गोल्डन ब्राउन कलर। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फूड मटेरियल इज अ ऑयल एंड क्राइसोलैमिनेरिन ऑयल एंड क्राइसोलैमिनेरिन ऑयल एंड क्राइसोलैमिनेरिन क्राइसोलैमिनेरिन पंडलाइन कर लेंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, हेलो, अब देखिए यहां पर जो सेलवाल होती है, आप जानते हैं मोस्टली सेलुलोज का बना हो, लेकिन यहां पर जो सेलवाल होती है वो सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिका का। इसको बोलते हैं सिलिसिफाइड सेलवाल। क्या बोलते हैं? सिलिसिफाइड सेलवाल। क्या बोलते हैं? सिलिसिफाइड सेलवाल। अब आप लोग देख रहे हैं सिलिसिफाइड सेलवाल की मीनिंग हो गई, इसका मतलब यहां पर सेलवाल किसका बना हुआ? सिलिका का बना हुआ। कभी कभी वन मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट द नेम ऑफ एल्गा, राइट द नेम ऑफ एल्गा विच हैज सिलिसिफाइड सेलवाल। तो आपका आंसर क्या होगा? नेविकुला। क्या होगा? नेविकुला। राइट डाउन, लिखे द सेलवाल इज सिलिसिफाइड
बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका. फुल स्टॉप. ब्रैकेट में नोट कर देंगे आप नेविकुला, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि वन मार्क में क्वेश्चन पुटअप हो गया. राइट द नेम ऑफ एल्गा विच है सिल्सिफाइड सेल वॉल. तो एग्जांपल आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेविकुला. चले नेक्स्ट पॉइंट. देखिए इसमें जो मूवमेंट होता है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट होता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट. घिसक घिसक करके होता है ऊपर नीचे. समझे? जैसे मैंने आपको बताया था ऑसिलेटोरिया में ऑसिलेटरी मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट दोनों होता था ऊपर नीचे. बोलिए भाई. ऑसिलेटरी मूवमेंट तो ये था, बोलिए, पेंडुलम की तरह से लेफ्ट एंड राइट. और ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है? उसका फिलामेंट ऊपर नीचे ऐसे किचुए की तरह से. उसी प्रकार से यहां पर भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है. एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रैफी. क्या होता है? रैफी. उसी के द्वारा यहां पर ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है. तो नोट कर लेंगे आप लोग. लिखे द सेल सोज है ग्लाइडिंग मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रैफी. रैफी को अंडरलाइन कर देंगे. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. देखिए यहां पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है. किसके द्वारा? बाइनरी फिशन. और आप जानते हैं बाइनरी फिशन में क्या होता है? एक से दो सेल का फॉर्मेशन होता है सिंपल वे में. प्लीज राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट. द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आकर्ष बाय बाइनरी फिशन. फुल स्टॉप. अब यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता आइसोगैमस. कैसा होता है? आइसोगैमस. आइसोगैमस की मीनिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है? कि बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट डिफर्स इन दियर फंक्शन. एक मेल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फीमेल. तो नोट कर लीजिए द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस. फुल स्टॉप. अब आपको नहीं बताया कि जो आइसोगैमिट्स होते हैं वो फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जायगोट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? जायगोट. और उस जायगोट में क्या होता है कि इससे जो स्पोर बनते हैं वो स्पेशल टाइप के स्पोर बनते हैं. और स्पेशल टाइप के स्पोर को बोलते हैं ऑक्सो स्पोर्स. क्या बोलते हैं? ऑक्सो स्पोर्स बोलते हैं.
इसको डेबिट डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे। ये 5 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर इन नेडिकुला, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको डिटेल में भी आपको हम बताएंगे। तो आप पहले करेक्टर में इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, प्लीज राइट डाउन। द जाइगोट फॉर्म्ड है, नेक्स्ट पॉइंट, द जाइगोट फॉर्म्ड है आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन develops into special type of spore common coil ऑक्सोस्पोर्स को आप अंडर लाइन कर देंगे। अभी इसके बाद डिटेल में आपको हम बताएंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ बैसिलेरियोफाइसी फॉर्म्स है फॉर्म्स है डाइएटमेसियस अर्थ। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, डाइएटमेसियस अर्थ। अब आप लोग नेक्स्ट है पॉइंट देंगे जो आपसे पूछा जाता है, मोस्टली ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन नेविकुला। हेलो, पहले तो आप लोग में बता रहा था, दूसरा क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन नेविकुला। तो आप लोग इसका पहले फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको डिक्टेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, प्लीज हियर। मैंने आपको बताया स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और आप ये भी जानते हैं कि यहां पर डिप्लॉयड लगा है। तो आपको बताया इसमें क्या होता है कि आइसोगैमस टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स जो कंजुगेटिंग सेल्स होती है वो बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं सिमिलर शेप इन साइज है। ये दोनों जो कंजुगेटिंग सेल है, ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर साइज एंड शेप के हैं, और दोनों डिप्लॉयड है, और इनके चारों तरफ जो है एक म्यूसिलिनस सीथ का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण एक आवरण में इंक्लोज हो जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये है इनवॉल्व है, किसका बना हुआ है, म्यूसिलिनस सीथ का। तो मैंने आपको बताया दो आइसोगैमस सेल्स या कंजुगेटिंग सेल्स जो होते हैं वह बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं डिप्लॉयड सेल, और उनके चारों तरफ एक इनवॉल्व बन जाता है, म्यूसिलिनस सीथ बन जाती है। और इसका न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल है, अब इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस।
मियोसिस होता तो आपको मालूम है एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, फोर हैप्लॉइड न्यूक्लाई बनेंगे। आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 टू आर द फंक्शनल, टू आर द फंक्शनल एंड टू आर द नॉन फंक्शनल एंड डिजनेट नष्ट हो रहे हैं। इसे इसको डार्क लाइन से दिखाया गया, दोनों को डार्क लाइन से रिप्रेंट किया गया। तो मैंने आपको बताया मियोसिस के बाद एक सेल के डिप्लॉयड न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियाई बनते हैं और इसमें दो न्यूक्लियाई फंक्शनल होते हैं और दो क्या होते हैं डिजनरेट रह जाते हैं। तो दो को क्लियर कट दिखाया गया और दो जो है वो डार्क लाइन से रिप्रेंट किया गया। वही प्रोसेस यहां भी होता है, आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है बेटा, ये दो फंक्शनल न्यूक्लियाई है और दो डिजनरेटिंग है। तो आपको मियोसिस के बाद एक कंजुगेटिंग सेल के अंदर फोर न्यूक्लियाई बनती है जिसमें दो डिजनरेट कर जाती है और दो फंक्शनल होती है। अब क्या होगा आगे चल करके, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ जो है ये वाल फॉर्म हो जाती है जिसके कारण ये गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें आप लोगों ने देखा दोनों प्लस गैमेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्लस गैमेट बन रहे हैं, मींस पॉजिटिव मींस मेल की तरह से, और इसमें दोनों निगेटिव बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? निगेटिव मींस फीमेल की तरह से। ये हो गए गैमेट्स हो गए। तो आप लोगों ने देखा एक सेल के अंदर दो हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, दूसरे सेल में भी दो हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं क्योंकि दो न्यूक्लियाई डिजनरेट हो गई थी जिस कारण दो ही गैमेट बने। अब क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा। इसमें एक प्लस और एक माइनस के बीच में फ्यूजन होगा, इसमें प्लस और माइनस के बीच में फ्यूजन होगा। तो आप लोग देख रहे हैं सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है एक प्लस है और दूसरा माइनस है, यहां पर भी एक प्लस और दूसरा माइनस है। तो आपको ने बताया ये जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं, जब इसका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा तो यह डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होगा और आप लोग देख रहे हैं कि ये बन गए 2n, ये भी 2n और ये क्या हो गया ऑक्सोस्पोर्स। क्या हो गया? ऑक्सोस्पोर्स। क्या हो गया? ऑक्सोस्पोर्स। और ये ऑक्सोस्पोर्स आगे डेवलप हो जाएगी किसमें? नेविकुला में। किसमें? नेविकुला में। तो आप लोगों ने देखा यहां पर दो नेविकुला सेल फ्यूज होते हैं और दो उससे जो है डार्टर सेल भी बन रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि स्पेशल टाइप का स्पोर बनता है जिसको हम ऑक्सोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सोस्पोर बोलते हैं। तो आपको ये बताया एक बात फिर से रिपीट कर देते हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। इन दिस प्रोसेस द टू कंजुगेटिंग सेल्स कम्स क्लोज टुगेदर एंड इन्वॉल्व्ड बाय म्यूटेशनल सीथ है। आफ्टर इट द मियोसिस टेक प्लेस विच प्रोड्यूस ए फोर न्यूक्लियाई इन ईच सेल। आउट ऑफ फोर न्यूक्लियाई द टू आर फंक्शनल एंड टू आर डिजनरेटेड। द टू फंक्शनल न्यूक्लियाई ऑफ ईच सेल इज कन्वर्टेड इन टू गैमेट्स हैप्लॉइड गैमेट्स। लेटर आर द पॉजिटिव एंड निगेटिव हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड दिस फ्यूजिंग गैमेट्स इज कन्वर्टेड इन टू ऑक्सोस्पोर्स आफ्टर फ्यूजन। द ऑक्सोस्पोर लेटर ऑन डेवलप्स इन टू दैट नेविकुला व्हिच इज डिप्लॉयड। प्लीज राइट डाउन इन नेविकुला
इन नेविकुला कामा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस एंड इन्वॉल्व्स ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन फुल स्टॉप. इन दिस प्रोसेस कामा टू कंजुगेटिंग सेल्स conjugating cells comes close to each other and get surrounded within mucilaginous sheath है फलस्टर the diploid nuclei of these cells undergo meiosis and produce four haploid nuclei full stop. Out of four nuclei, comma, two nuclei remain functional, and two degenerates. Full stop. Later on, the binucleate. Cell is converted into two haploid gametes. The two haploid gametes from different cells fuse together and form a zygote. Full stop. The two zygote formed in two cells. Produce a
ऑक्सोस्पोर, 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 फुल स्टॉप। फाइनली ईच एक्सोस्पोर इज डेवलप्स इनटू डिप्लॉयड नेवी कुला। फुल स्टॉप। तो ये आपका बेसल रियोफेंसी और नेवी कुला समाप्त हुए हैं। दो क्वेश्चन पुट अप होते हैं, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आपको हम वाउचेरिया पढ़ाएंगे कल।